तो आए मेरे प्यारे दोस्तों, नए ऊंचाइयों को हम छूने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ नया करने के लिए कोशिश करते हैं और अपने प्रदेश को और अपने प्रदेश का नाम को ऊंचा उठाते हैं हम सब मिल करके। किसी एक इंडिविजुअल को रुकने से नहीं होगा, किसी एक लीडर एमएलए मिनिस्टर को केवल रुकने से भी नहीं होगा, हम सबको ही आगे आना होगा। तो कोशिश करते हैं हम सब मिल करके, आपका आइडिया के द्वारा, आपका प्रैक्टिकल मेहनत करने के द्वारा भी बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ पैसा का काम नहीं होगा वहाँ ताकत का भी काम आ सकता है, जहाँ ताकत का काम नहीं होगा वहाँ आपका दिमाग का भी काम आ सकता है। तो दिल दिमाग तन मन सब लगा करके हम अपना प्रदेश, अपना जगह, अपना समाज को सुधारने में और अपना समाज का नाम को ऊँचा करने में हम लोग मिलजुल के लग जाते हैं। आइए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, सब आइए, आगे आइए। तो इसलिए आपका अंदर में आज जितना ज्ञान बुद्धि है वो घमंड में यूज़ ना करें, वो जो है आप अच्छा कामों में यूज़ कीजिए, वो अपना समाज को सुधारने में, अपना समाज का नाम को ऊंचा उठाने में, अपना जाति का नाम को ऊंचा उठाने में आप उस ज्ञान, उस बुद्धि को आप इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो एक दूसरे में हिंसा बजे नहीं करके, एक दूसरे में तुतुमी में नहीं करके हम लोग क्या करने से हमारा समाज आगे जाएगा, कैसा काम करने से हमारा सोसाइटी आगे जाएगा, कैसा करने से हमारा मिश्मी जाति को भी दुनिया जानेगा। तो मेरा एक ही मकसद है, हमारा मिश्मी आगे निकलना है, चाहे कोई भी फील्ड में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, ऑफिशियल लेवल में हो, पॉलिटिकल में हो, हम लोग हर एक चीज़ में हम आगे होना होगा। देखिए आज हम लोग जिसको भी हम लोग नेता भी बनाते हैं, जिसको भी हम लोग लीडर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग चंद रुपयों के लिए हम लोग लीडर बना देता है, तो क्या होता है हम लोगों के लिए ही वो दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए हमारा भाई बहन, हमारा मिश्मी जाति, हम लोग 3,000-5,000 में नहीं बिक करके हम लोग कुछ अच्छा एक नया इनोवेटिव नया प्लान करते हैं, जिसका अंदर में सच में कुछ करने का क्षमता है, कैपेसिटी है, जो सच में हमारा डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाएगा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सोचता है, जो हमारा मिश्मी समाज के लिए जो सोचता है, उसी व्यक्ति को ही हम लीडर बनाना है। जिस राज्य में राजा समर्थ होगा वहां का प्रजा भी हमेशा सामर्थ एक गर्व महसूस करेगा, जिस राज्य में राजा कमजोर है वहां का प्रजा भी कमजोर होगा। तो आज इस युग में हमें कमजोरी राजा नहीं चाहिए और कमजोर राजा नहीं चाहिए, हम लोग का लीडर एक मजबूत होना है, दिलदार होना है, समझने वाला होना है, पब्लिक का प्रॉब्लम्स को, गांव का प्रॉब्लम को समझने वाला लीडर होना है। इसलिए ऐसा लीडर को हम लोग चुनना है। दे मेरी बातों को कोई बुरा मत मानना, जो मेरा विचार था मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया है, क्योंकि हम लोग संविधान हम लोगों को अधिकार दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हम बोल सकते हैं, इसलिए मैंने अपना राय विचार में रखा हूँ। हमारा देश को, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे जिले, हमारा गांव को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, प्रोस्पेरिटी लाना है, तो लीडर मजबूत होना होगा और लीडर जो है पब्लिक का बात सुनना होगा। जो अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका तो आप सुनना पड़ेगा ना, अब लीडर नहीं सुनेगा तो हम लोग किसको बात करेगा। हम लोगों ने आपको विधायक बनाया है, लीडर का मतलब समझना चाहिए आप लोग, कई प्रकार का लीडर होता है, सेवा भी कई प्रकार का सेवा होता है। इसलिए जो भी लीडर है आप लोग सच में दिल और आत्मा से अपना प्रदेश के लिए, अपना गांव, अपने जिले, अपना लोगों के लिए आत्मा से सोचिए, केवल शरीर से, दिमाग से सोचने से भी नहीं होगा, दिल और आत्मा से सोचिए कि क्या करने से हमारा जगह जो है डेवलपमेंट होगा, कैसा, क्या स्कीम डालने से, क्या प्रोजेक्ट डालने से सरकार हमको फंड देगा। बिना फंड का हम डेवलपमेंट नहीं कर सकता, बिना पैसा का हम डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो आप जो पावर में है, आप पैसा आप बंदोबस्त करना है। अभी जो हम लोग पब्लिक है, आम जनता है, हम लोग यहाँ ग्राउंड में हम लोग मेहनत करेंगे, जैसे अभी भी कर रहा है, हम लोग और भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारा साथ युद्ध जुड़े, हमारा साथ में हम बहुत सारा जानकारी लोग होगा। आप लोग सोच रहा होगा ये लखीमसो क्या क्या बोलते रहता है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं जुदी, प्लीज आप आइए और हमें भी गाइड कीजिए, आपका जो आइडिया है वो भी मुझे शेयर कीजिए। दे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है।
तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में हम सब फिर मिलते हैं। सभी को बाय बाय, जय हिंद।